इस मंदिर में 800 साल से बंद था एक कमरा, जब खोला गेट तो सामने आया ये तिशे क्षेत्र। बरासों के प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर में करीब 800 साल से बंद कमरे को खुलवाने पर गुफा निकली है। इसके नीचे और एक मंजिल होने व प्राचीन मूर्तियां मिलने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। ज्ञातव्य है इन दिनों बरासों के मंदिर में पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है। इसके लिए ससंग विराजमान गणाचार्य विरागसागर महाराज को बंद कमरे में कुछ खास होने का आभास होने पर इसे खुलवाया गया और साफ सफाई की प्रक्रिया शुरू कराई गई है। अतिशय क्षेत्र बरासों को लेकर मान्यता है कि यहां भगवान महावीर स्वामी का समोचरण आया था। यहां के मंदिर देवों द्वारा निर्मित कराए गए हैं। सालों से बंद कमरे को खुलवाया गया तो इसमें चमगादड़ झुंड के रूप में निकले। जब साफ सफाई कराई गई तो 3-4 ट्राली कचरा निकला। इस कमरे में एक और गुफा नजर आ रही है तथा कई आले भी बने हुए हैं। गुफा में नीचे की ओर सीढ़ियां भी दिखाई देने लगी हैं। अभी साफ सफाई की प्रक्रिया चल रही है, इसी कारण लोग इसमें मूर्तियां निकलने की भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। यहां मूर्तियां भी निकल सकती हैं। मंदिर कमेटी उपाध्यक्ष बकौल प्रभाषचंद्र जैन कहना है कि गणाचार्य का कहना है कि इसमें 2 मंजिला मेहरावदार मंदिर होना चाहिए। आगामी दिनों में भी साफ सफाई कार्य चलेगा, इसके बाद और क्या निकलता है यह सामने आ सकेगा। आचार्य का कहना है कि इसमें 2 मंजिला मेहरावदार मंदिर होना चाहिए, इसमें मूर्तियां भी निकल सकती हैं। पूर्व में निकली थी 3 गुफाएं। गणाचार्य विराग सागर के मुताबिक पिछले बार जब ससंग बरासों आए थे तब भी बड़े मंदिर में इसी प्रकार 2-3 गुफाएं निकली थी, लेकिन इस बार 2 मंजिला मंदिर होने की स्थिति प्रतीत हो रही है। अभी साफ सफाई के बाद नक्काशीदार कमरा सामने आया है, इसमें गुफा भी नजर आ रही है। जिला पुरातत्व अधिकारी वीरेंद्र कुमार पांडे का कहना है कि बरासों के जैन मंदिर में 90 के दशक में जैन समितियों के माध्यम से कुछ कार्य कराया था। यदि वहां 800 साल बाद कोई कमरा खुला है और उसके अंदर यदि कोई गुफा निकली है तो उसे निश्चित तौर पर देखा जाएगा।